हजारे चांस में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घर पर अच्छी तरह से होंगे। की शुरुआत सबसे पहले बेमौसम बरसात से करते हैं। विगत दिवस जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई, जगह ओलावृष्टि हुई और जिस तरह से कुछ किसानों की फसलें बर्बाद हुई, इससे किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें लाजमी है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका पूरी तरह से सर्वे कराया जा रहा है और किसानों का जो भी नुकसान है उसको प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई, इससे किसानों की जो अरमान थे, किसानों के जो सपने थे, कहीं ना कहीं आज जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, इससे किसानों के सपने चकनाचूर हुए हैं और इससे कहीं ना कहीं किसान आर्थिक रूप से कमजोर भी हुआ है। अब हम पीस कमेटी की बैठक की बात करते हैं। के नवरात्रि व आगामी रमजान के त्यौहार को लेकर तालबेट कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी संजय पांडे, सीईओ कमलेश कुमार व कोतवाल विनोद कुमार मिश्र मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों के निर्देश की बात करें तो अधिकारियों ने साफ तौर पर निर्देश किया है कि त्यौहार को सौहार्द से मनाएं, आपसी प्रेम भाव से मनाएं। पुलिस की अराजक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर। वहीं सादा वर्दी में तालबेट नगर में फैली रहेगी पुलिस। जिस तरह से तालबेट कोतवाली परिसर में पीस कमेटी बैठक हुई, अधिकारियों ने निर्देशित किया। और को आइए देखते हैं विस्तार से। त्यौहार गुजारने में तीन चार चीजें बहुत ही गंभीर रूप से दिखती हैं। एक तो तेज आवाज में त्यौहार और इन सब मामलों को लेके या कोई धार्मिक या व्यक्तिगत आयोजन को लेके तेज आवाज में डीजे बजाया जाना और आसपास के लोगों द्वारा उसका विरोध किया जाता है या आपत्ति दर्ज की जाती है। दूसरा, यातायात व्यवस्था तो निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन सड़कों पे जो वाहन पार्किंग की जाती है उससे कहीं ना कहीं एम्बुलेंस या ऐसी जो आवागमन में बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे व्यापार मंडल के लोग भी उपस्थित हैं। तो आपसे ये अनुरोध भी है कि इसमें जो है हम लोग ड्राइव कराएंगे, भी चल भी रहा है, कम से कम सड़कों को एकदम इंक्रोचमेंट फ्री रखा जाए, चाहे अस्थाई अथवा अस्थाई किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट ना कराया जाए। इसमें सर्वाधिक योगदान उन्हीं दुकान वालों का होता है जिनके सामने ये चीजें खड़ी की जाती है, भारी वाहन, दोपहिया वाहन, चरपहिया वाहन। अपने आप में ये भी ऊपर वाले का मैसेज है कि हमें साथ साथ ही चलना है, साथ साथ ही रहना है और बड़े प्यार से इन सारी चीजों को एक दूसरे के साथ मिलकर मनाना है। कार्य न करें जो गैर परंपरागत हो, जिसमें कोई हमें ये कहने का मौका दे कि साहब ये काम भी पहली बार है। दूसरा, नवरात्र है 22 तारीख से और उधर रमजान है, दोनों में खरीदारियां करने हमारे घर की बहू बेटियां मार्केटों में जाती हैं। कोतवाल साहब को हम लोगों की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, हमारे सीनियर अधिकारियों ने भी इस बारे में हम लोगों को ब्रीफ कर दिया है, बहुत अच्छे से निर्देश भी हैं, शासन तक के निर्देश हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष हम लोग जो है हमारी कार्य योजना है, हमारी महिला पुलिस भी सादे में बाजारों में रहेगी, कहीं किसी को खरीदारी करने में कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कि वहां पर लाउड स्पीकर जो भी डीजे या कोई भी चीज अगर वहां यूज होती है वो ऐसी उसकी ध्वनि ना हो कि वो बराबर वाला व्यक्ति हमें परेशान होकर फोन करे कि साहब इन्होंने बिल्कुल जीना हराम कर दिया, मुश्किल कर रखा है, हमारे घर में हार्ट पेशेंट हैं और उनको बहुत दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूँ कि वो दिक्कत वो त्योहार ही किसी काम का नहीं रह गया, फिर जिसमें करना है आपको करना है और आप कराएंगे तभी हम कर पाएंगे। आपसे हम हैं, आपसे हम हैं, हम आपसे नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग दोनों लोग मिल करके दोनों त्योहार, नवरात्र का त्योहार और रमजान का त्योहार और ईद बढ़िया से मनाएं, अच्छे से मनाएं, तभी हमारा आपका त्योहार अच्छा रहेगा। हमारे अधिकारी कहीं पर भी ये ना कह पाए कि कुदवाल साहब ने आप ही नहीं करा पाए और हमारे धर्म गुरुओं भी नहीं ये ना कह पाए कि फला आदमी ने ऐसा कर दिया। तो हमें चाहते हैं हम आप दोनों लोग मिलकर के त्यौहार मनाएं और बढ़िया से मनवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग जनरल सूचना पे उपस्थित हुए, धन्यवाद। कमेटी की बैठक के दौरान मंदिरों के पुजारी मुस्लिम धर्मगुरु तो वहीं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
कार्यक्रम का संचालन एनपी गोस्वामी ने किया। आदर्श ग्राम पवा की प्रेमी प्रेमिका की उस कहानी को आज हम आपको बताएंगे जिसमें कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमी के पिता की मौत हो गई, वहीं प्रेमिका के परिवारजनों ने प्रेमी के पिता को मार दिया। हालांकि ये जानबूझकर हत्या नहीं की गई, वहीं जिस तरह से मारपीट की गई और मारपीट करके उन्हें घर छोड़ा गया, प्रेमिका के परिवारजनों ने प्रेमी के पिता को कुएं से लाकर कहीं ना कहीं उनकी पिटाई की और पिटाई करके घर छोड़ गए। रात्रि में उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। जिस तरह से मौत हुई उससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और प्रेमी प्रेमिका की प्रेम कहानी में प्रेमी के पिता की कहीं ना कहीं बलि चढ़ गई। ये कहानी पूरी हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि जो प्रेमिका है वह विवाहित थी, हसारी उसकी शादी हुई थी, और जो प्रेमी है प्रेमी भी पवा का रहने वाला है, प्रेमिका भी पवा की है और उसकी शादी हसारी हुई थी, और उस प्रेमी कहीं ना कहीं हसारी से उस प्रेमिका को शादीशुदा प्रेमिका को भगा कर ले गया था। कहीं ना कहीं लड़की के परिवारजनों में आक्रोश था, लिहाजा सी बात है प्रेमी को ढूंढने की कोशिश की और प्रेमी के नहीं मिलने पर उसके पिता मिले, पिता को मिलकर उनसे मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसे घर पर छोड़ गए, घर पर पूरी तरह से फेंक गए। और जिस तरह से जब रात में कहीं ना कहीं प्रेमी के पिता की मौत हो गई, इससे कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और कोतवाल विनोद कुमार मिश्र ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया और आरोपियों को जेल भेज दिया। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। अब हम सीधे सीधे उस कहानी में जो ये किरदार हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रेमी के पिता की हत्या की, हालांकि ये 304 का मामला दर्ज हुआ, उनका नाम बताते हैं। राजेश कुमार व संत राम पुत्र तुलसीदास कुशवाहा निवासी पवा मजरा कसर, इन लोगों पर 304 का मामला दर्ज हुआ और उन्हें जेल भेज दिया। प्रेम कहानी का जो क्लाइमेक्स है, इस पूरी प्रेम कहानी का जो अंत है, कहीं ना कहीं जेल में जाकर ही खत्म हुआ। प्रेमी जेल गया, प्रेमिका के परिजन जेल गए और इस प्रेम कहानी का कहीं ना कहीं और इसमें प्रेमी के पिता की बलि चढ़ गई, इस प्रेम कहानी का ये अंत हुआ, ये दर्दनाक अंत हुआ। कहीं ना कहीं आज इस कहानी को, इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद है कि समाज में जिस तरह से आज का युवा भ्रमित हो जाता है, गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, और जो चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पर्दे पर अच्छी लगती हैं, फिल्मों में अच्छी लगती हैं, उन्हें असल ज़िंदगी में उतारने से क्या होता है, आप इस कहानी को सुन लीजिए, इस खबर को देख लीजिए। इसका अंत जेल की दीवार तक होता है, जेल की चार दीवारी पर ख़त्म होता है, और कहीं ना कहीं इसमें इस पूरी प्रेम कहानी में एक निर्दोष की बलि भी चढ़ी। वहीं जिस तरह से विगत 17 व 18 मार्च की एक घटना है, तालबेट की गल्ला मंडी से 80 कुंटल लगभग उर्द गायब हुआ था और ट्रैक्टरों की मदद से इसे चोरी कर लिया गया था, और इस घटना को कहीं ना कहीं तालबेट कोतवाल विनोद कुमार मिश्र की बात करें से ये घटना घटी। इसके बाद तालबेट कोतवाल विनोद कुमार मिश्र ने पूरी घटना को संज्ञान में लेकर और पूरे एक्टिव मोड में पूरी टीम के साथ काम किया, और जिस तरह से सिटी इंचार्ज बाली सिंह व पूरी टीम गठित हुई, और जैसी हमें जानकारी मिली विश्व सूत्रों से कि अपराधियों के गलेबान तक तालबेट पुलिस पहुंच चुकी है, ऐसी जानकारी मिली है कि माल बरामद हो चुका है। वहीं तालबेट से कहीं ना कहीं ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो निकल के सामने आ रही है, ऐसा अनुमान लगा, एक पूरा हमें जो जानकारी मिल रही है ये हम आपको बता रहे हैं कि तालबेट से जो विगत दिनों पहले 80 कुंटल गेहूं चोरी हुआ था तालबेट की गल्ला मंडी से, उसे कहीं ना कहीं तालबेट पुलिस सफलता की ओर है और अपराधियों के गलेवान तक पुलिस पहुंच गई और कहीं ना कहीं वो माल भी बरामद हो गया है, ऐसी पूरी जानकारी मिली है। और इस कहानी को पूरा हम बताएंगे, पहले पुलिस कैसे पहुंची इस पूरे क...
कहानी को जैसे हमें जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि पूरी सीसीटीवी फुटेज के द्वारा कहीं ना कहीं इस कहानी को इस चोरी को खंगाला गया और कहीं ना कहीं टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की सहारा लिया गया और जहां बेचा गया वो पूरी तरह से सामने आ गया है। पूरी तरह से पुलिस वहां तक पहुंच चुकी है, माल बरामद हो चुका है, पूरी हमें जानकारी ऐसी मिल रही है विश्वस्त सूत्रों से। और कभी भी इस बड़ी चोरी का खुलासा हो सकता है। हमारी खबरों से लगातार जुड़ने के लिए यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल कर रखिएगा। जय हिंद।